हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग को लेकर के है और सी प्रोग्रामिंग में एरे की इंडेक्सिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे टर्बो आईडी को ओपन करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ताकि टर्बो आईडी हमारी ओपन हो जाए। और जैसे ही टर्बो आईडी ओपन, देखिए ये टर्बो आईडी ओपन हो रही है हमारी, हम टर्बो आईडी पर ये कोडिंग करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्बो आईडी ओपन हो रही है। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये पहले से जो फाइल बनी हुई थी यहाँ पर, वही चीजें यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल ले लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोडिंग हमें क्या करना है, आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर हम चाहे तो डायरेक्टली void main लिख करके या केवल मेन फंक्शन बना करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक आदत सी पड़ी हुई है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h लिखने की। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर लिखते हैं stdio.h। ठीक है, किस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से लगा के stdio.h लिखते हैं आप। ठीक है, तो ये बात दिमाग में है आपके कि ये आप जो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसको ओपन कर रहे हैं फिर क्लोज कर रहे हैं, तो अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या हमारी कोडिंग नहीं रन होगी, क्या ये चलेगा नहीं? तो बिल्कुल चलेगा, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए डबल डॉट कॉमा ओपन किया और यहां पर लिखा मैंने stdio.h। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, यहां पर डबल डॉट कॉमा क्लोज भी करेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं। फिर यहां पर अब मैं सीधा सीधा मेन फंक्शन बना लेता हूं, void main। तो ये लिखा void और फिर यहां लिखा main। ठीक है, आप conio.h भी लगा सकते हैं, तो यहां पर चलिए conio.h भी लगाई देते हैं। हैश इंक्लूड यहां पे include, और फिर यहां लिखेंगे डबल डॉट कॉमा में conio.h। conio.h कंसोल विंडो होती है हमारी, .h का मतलब है हेडर फाइल। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर एक हम एरे बनाने वाले हैं, तो यहां पर तो सबसे पहले तो मेन फंक्शन बनाएंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं void main, void main, void इसलिए ताकि ये कुछ भी रिटर्न ना करे, और ये मेन लिख दिया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर मेन के अंदर क्या कोई पैरामीटर पास किया जा सकता है, जैसे ये void main लिखा जाता है तो इसके अंदर हम void पैरामीटर पास करते हैं, void। ठीक है, तो ये void पैरामीटर पास किया और इसे क्लोज कर दिया, और क्लोज करके क्या करेंगे, यहां curly braces ओपन कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब यहां पर इंट टाइप का एक डेटा टाइप लेता हूं, किस नाम से लेता हूं, तो यहां पे लेता हूं ARR, एर नाम से डेटा टाइप लेता हूं, और ये एरे है। एरे की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट से होती है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और यहां पर अब हम कुछ नंबर्स यहां पे एंटर करेंगे, जैसे 77 किया, 44 किया, 22 किया, ठीक है, 33 किया, इस तरीके से कुछ नंबर हमने एंटर करवा लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे। पहले तो यहां पर हम इसे टर्मिनेट करते हैं, फिर एंटर करके नीचे आते हैं और फिर यहां पर लिखते हैं प्रिंट एफ, क्योंकि ये पाइथन तो है नहीं, ये तो है सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं परसेंट डी। ठीक है, इंटीजर के लिए, तो यहां पे डबल डॉट कॉमा में परसेंट डी लिख दिया, और चूंकि हम ये चाहते हैं कि हर बार लाइन चेंज होती रहे, तो यहां बैक स्लैश एन लगा दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, और चूंकि एर नाम से हमने बनाया था तो एर टू को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, तो जब एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी तो ऐसे में क्या होगा, यहां पे टू में क्या आएगा, तो टू में आएगा ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, यानी टू पे 22 आना चाहिए। ठीक है, और यहां पे टर्मिनेशन दे देते हैं, ये हो गया टर्मिनेशन। नीचे और एक बार और प्रिंट एफ लिखते हैं, ये हो गया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पे डबल डॉट कॉमा में परसेंट डी, फिर यहां बैक स्लैश एन लगाएंगे, फिर इसे डबल डॉट कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां एर लिखेंगे और यहां पे दे देते हैं जीरो, तो जीरो पे क्या प्रिंट होगा और जो टू है उस पर क्या प्रिंट होगा, दोनों ही देखने वाली बात है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें लगाना है गेट सीएस ताकि हम स्क्रीन को पॉज कर सके, तो उसके लिए गेट सीएस लगा दिया है, और यहां पे टर्मिनेट करके और इस ब्रैकेट को जो कि ओपन किया था यहां पर इसे क्लोज कर दिया है। अब इसको हम सेव करेंगे, तो यहां से हम सेव करते हैं इसको, यहां से जाके सेव करेंगे, और यहां पर इसे मैं किसी भी नाम से सेव करूंगा लेकिन लास्ट में डॉट सी रहेगा, तो ये हो गया सेव। अब इसको कंपाइल करवाएंगे, तो यहां से ये देख सकते हैं सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, और अब यहां से रन करवाने की बारी, तो यहां पे रन करवाएंगे तो देखिए यहां पे क्या आता है, यहां पे 22 आ रहा है और 77 आ रहा है। तो अभी 22 और 77 का मतलब क्या निकला, 22 और 77 का मतलब ये है कि यहां पर जीरो नंबर पे क्या आ रहा है, जीरो नंबर पे आ रहा है आपका, जीरो नंबर पे आ रहा है आपका 77। ठीक है, यानी 77, और दो नंबर पे यानी ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, टू नंबर पे क्या है 22 है, तो जिस तरह से लिखा गया उसी तरीके से एकदम आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप एंगुलर ब्रैकेट में ही सिर्फ इसे लिख सकते हैं, देखिए हेडर फाइल मैंने एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखा है, डबल डॉट कॉमा में लिख दिया है,
तो ये डबेटेड कॉमा में भी काम करेगा, ठीक है। और इंडेक्सिंग तो आपको समझ में आई गई होगी कैसे कैसे इंडेक्सिंग होती है, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, यानी थ्री तक दिया गया इसमें, ठीक है।